आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा लोकसभा ऑब्जर्वर व राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने का बड़ा दावा किया। हिमाचल के कांगड़ा लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा के चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने अपना बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है। भाजपा को 200 से भी कम सीटें मिल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा की 13 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑब्जर्वर प्रेम कौशल, राजस्थान राजपूत महासभा के अध्यक्ष केसर सिंह, राजस्थान पीसीसी के स्पोक पर्सन यशवर्धन सिंह एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव भी मौजूद रहे। पहले चरण राजस्थान में हो रहा, राजस्थान से मैं आया हूं। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि राजस्थान में मिनिमम 25 में से 13 सीट और 14-15 से आगे कितनी भी जा सकती है। इतना अंडर करंट राजस्थान में, और ये शुरुआत जो हुई है ये राजस्थान से हुई, और अब तो पांचवें चरण आते आते तो स्थिति ये बन गई है कि पूरे देश में अब तो बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, और कि अब तो 200 से कम सीटें हैं इनकी जो बीजेपी की, बीजेपी का जो गठबंधन है उनकी 200 से कम रहने वाली है, और कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन का स्पष्ट बहुमत आने वाला है। और राहुल गांधी जिस ढंग से पूरे देश में अलख जगाई है उसके बूते हम कह सकते हैं कि ये जो सीट है कांगड़ा की, हिमाचल में 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और आनंद शर्मा जी कांगड़ा विधान लोकसभा से बड़े बहुमत से, मैं तो सुबह पहुंचा हूं स्पाइस जेट की फ्लाइट से, कल मैं दिल्ली आ गया था, लेकिन जो फीडबैक लिया है यहाँ 17 विधानसभा क्षेत्रों का जो फीडबैक लिया, 17 के 17 से, वैसे अभी भी 17 में से 12 कांग्रेस पार्टी जीती हुई है, लेकिन लगता ऐसा है कि इस लोकसभा की 17 विधानसभा में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं रहेगी जहां कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आनंद शर्मा जी भारी मतों से नहीं जीतेंगे।